तो चलिए अब बात कर लेते हैं गणेश पर्व की। तो जय गणेश, जय मंगल मूर्ति। आपको पता है गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है, गणेश पर्व शुरू हो चुका है, और उसी कड़ी में हम आपको रोज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भगवान गणेश के अलग अलग कहानियां बताते हैं। और उसी कड़ी में भी है, हम आज एक और कहानी आपके पास लेकर आए हैं, और इस बार बालों से। तो कहते हैं भगवान गणेश दुखी लोगों के दुख हरते हैं, निसंतानों की गोद भरते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में भी एक भगवान गणेश का इसी तरीके का मंदिर है, जहां पर जाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। कौन सा है मंदिर और किस मान्यता पे यहां पर क्या मान्यता है, चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश दुखी लोगों के दुख हरते हैं, निसंतानों की गोद भरते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद के मरारपारा में भगवान गणेश जी का एक ऐसा मंदिर है, जहां मान्यता है कि यहां आने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। बालोद के मरार पर स्थित स्वयंभू गणेश मंदिर की मान्यताएं पूरे क्षेत्र में प्रचलित हैं। मंदिर का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है, और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मंदिर में जमीन फोड़कर प्रकट हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति लगातार बढ़ रही है। स्वयंभू श्री गणेश जी की घुटने तक का हिस्सा अभी भी जमीन के भीतर है, वहीं पेट, सर और हाथ लगातार बढ़ता जा रहा है। मूर्ति की बात है तो मूर्ति छोटी सी थी, निरंतर दिनों दिन एक तिल की तरह बढ़ते गई, और आप जिस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, ये विशाल मूर्ति आपके सामने है। 100 साल पहले मरारपारा में गणेश जी की मूर्ति छोटे रूप पर नगर के स्वर्गीय सुल्तानमल बाफना और भूमराज श्रीमाल की नजर उन पर पड़ी। दोनों व्यक्तियों ने स्वयंभू गणपति के चारों ओर तीन शेड लगाया और एक छोटा सा मंदिर बना दिया। इसके बाद लोगों की आस्था बढ़ती चली गई और मंदिर का विस्तार होता चला गया। मंदिर में दूर दराज के लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूजा अर्चना के बाद अपनी अर्जी लगाते हैं। स्वयंभू गणेश मंदिर की देखरेख के लिए मौर्य मंडल का गठन किया गया। मंडल के सदस्य निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। इसका इतिहास ऐसा है, जब मेरे दादा दादी जी लोग यहाँ पर आए थे बालोद में, स्वर्गीय सुल्तानमल सजना भाई, तो ऐसा था कि इस मोहल्ले में एक यहाँ पर खंडहर टाइप का था, और उनको स्वप्न आया था कि इस जगह का जो है थोड़ा सा साज सज्जा किया जाए, और भगवान के प्रति एक गहरी आस्था होने के कारण, तो और एक मन्नत थी उनकी जो पूरी हो गई थी, तो उनकी श्रद्धा और बड़ी थी, और इसको एक टीन का शेड लगा के एक मंदिर के रूप में पहले इसका निर्माण किया गया था, और यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह चालू किया गया था। इस मंदिर में इतनी चमत्कारी कि मैं बता नहीं सकता, और जितने भक्तगण दूर दूर से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस टीम का नाम मौर्य मंडल परिवार रखे हैं। प्रत्येक बुधवार को प्रसादी की जाती है, 7:30 बजे महाआरती की जाती है। मौर्य मंडल द्वारा गणेश मंदिर के पास ही गणेश प्रसादी की शुरुआत की गई। लोगों को महज 30 रुपए में घर जैसा भोजन गणेश प्रसादी के रूप में दिया जा रहा है। इसे लेने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्षेत्र में इस प्रसादी की चर्चा खूब होती है। गणेश पक्ष के दौरान भक्तों की संख्या यहां और बढ़ जाती है। यहां पर हर बुधवार शाम 7:30 पर महाआरती का आयोजन होता है। ढोल मंजीरे की थाप के बीच आरती में सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं। कहते हैं कि 100 साल से अधिक पुरानी ये मूर्ति है, और स्नेह स्नेह इस मूर्ति का जो आकार बढ़ता जा रहा है। आप मेरे ये पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं, 100 साल पहले जब मिला था बहुत छोटा था, लेकिन इसका आकार लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों की अपनी आस्था है, बालोद नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसी उनकी मान्यता है, क्या आस्था है इस मंदिर को लेकर, आपकी क्या आस्था है, क्या मान्यता है। जमीन से प्रकट हुए गणेश भगवान जी हैं, और उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ के हैं जैन जी हैं, उन्होंने देखा था, तो उन्होंने देखा कि आसपास बहुत कूड़ा करकट है, फिर उन्होंने जगह को साफ करवाया और मंदिर का स्थापना करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे गणेश जी बढ़ते गए, और मंदिर भी उस समय छोटा था, लेकिन अब धीरे धीरे भक्त इतने बढ़ गए हैं, भगवान की कृपा सब पे है, और अभी अच्छा विशाल हो गया है। मंदिर की हर एक काम मौर्य मंडल करता है, मौर्य मंडल के सदस्य हमारे साथ हैं, अब इनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या आस्था है इस मंदिर को लेकर, आपकी क्या आस्था है। जय गणेश। यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ मैं विगत 7 से 8 वर्षों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, एवं यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अगर अपने सच्चे मन से
अपनी जो भी मन्नत मांगता है उसकी पूरी जरूर होती है वो। हाँ, तो जब से हम जन्म लिए हैं तब से सेवा दे रहे हैं, और खुशनसीब ये भी है कि मंदिर के बाजू में हमारा घर है, यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा रहता है, और जब आरती होती है तो यहाँ पे भीड़ देखने लायक रहती है। जो भी भक्त यहाँ पे अपनी अपनी भक्ति लेके आता है, मनोकामना लेके आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इतनी आस्था और इतना चमत्कार इस बालोद के मरारपारा स्थित गणेश मंदिर में है। इस वक्त गणेश मंदिर से INH के लिए राहुल भुतड़ा।